आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको जल्दी से वीडियो मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद आपका ये सब करने के लिए। नमस्ते आप सभी लोगों को, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही खास न्यूज़ देने जाने वाला हूं, जो कि ड्रीम इंडिया ड्रीम्स से लेटेस्ट अपडेट है। तो मैं आपको आज बता दूं, जो कि लोगों का पैसा रुका पड़ा था, लोगों को पेमेंट अभी तक नहीं मिली थी, तो ये गुड न्यूज़ है, लोगों को पेमेंट मिल चुकी है, आई वॉलेट में आ चुकी है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कितनी पेमेंट आई है और किस किस मंथ की पेमेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले महीने और इस महीने की पेमेंट अभी तक नहीं आई है। बहुत दिन हो गए कंपनी लारे लगा रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की पेमेंट पिछले मंथ की क्लियर नहीं हुई थी, पेंडिंग में थी, वो आज की डेट में पेमेंट आ चुकी है। अपने जाके आई वॉलेट में आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे आई वॉलेट में 525 हैं और सी वॉलेट में 395 रुपीस हैं। तो जैसे मेरे 25 रुपये थे केवल, लेकिन जब मैंने ये पेंडिंग रिक्वेस्ट डाली थी, अभी तक नहीं क्लियर हुई। कंपनी ने कहा कि वही पैसा उनके आई वॉलेट में दोबारा डाल दो, फिर वो नेक्स्ट पेमेंट के साथ इस पेमेंट को ले सकते हैं। तो जैसे मेरा 525 हो गया। और रही बात इस मंथ की पेमेंट की, मैं आपको बता दूं, ये 10 जून तक या 12 जून तक आपको मिल जाएगी। तो रही बात, मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, मेरे पेंडिंग रिक्वेस्ट जो मैंने डाली थी, जिसमें मैंने 500 रुपये विड्रॉ पर लगाया था, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया तो कंपनी ने मुझे वापस मोड़ दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं, मेरी पेंडिंग रिक्वेस्ट 500 रुपये की 460 रुपये टैक्स काट कर, तो ये पेंडिंग शो हो रही है। लेकिन जब मैंने आज सुबह सुबह देखा, तो ये आज की डेट में ये पेमेंट क्लियर हो चुकी थी, मतलब मेरे आई वॉलेट में दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया था। तो अब मैं इसको अगले मंथ की जो पेमेंट आएगी 10 जून या 12 जून को, उसके साथ मिलाकर मैं विड्रॉल सैटरडे को लगा दूंगा, लेकिन अब भी लगा सकता हूँ इस सैटरडे। तो जैसे कि ये पेमेंट अब मिल चुकी है, कंपनी ने बहुत देर कर दी, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था कंपनी को। दो मंथ की पेमेंट का इंतज़ार उन्होंने बहुत किया है लोगों ने, फ़िलहाल जाके ये एक मंथ की अभी तक पेमेंट मिली है। मुझे डर है कि ये जो 10 जून या 12 जून का टाइम दिया है, लेकिन वो और देर ना लगाएं। मैं हाथ जोड़कर शिवाजी से विनती करता हूँ कि लोगों को पेमेंट टाइम के हिसाब से दिया जाए। पहले तो 27 तारीख को पेमेंट दिया जाता था, लेकिन अब 10 तारीख भी चली गई, 30 भी, एक एक महीना लग जाता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, शिवाजी जो कंपनी के MD है, अगर ऐसा होगा तो आपकी कंपनी का जो मेन मकसद है वो कम हो जाएगा और लोगों का विश्वास आपसे टूट जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पेमेंट टाइम से देते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये पेमेंट की न्यूज़ मिल जाए। साथ ही मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।